किसान बर्बाद हो गया। यहाँ पे सस्ते में फसल अपनी बेचता है और व्यापारी एमएसपी और उससे महंगे पे पूरे देश भर में बेचता है। ये हमारी डिमांड है। जो यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण हो रहा है वो कम उसमें हो रहा है, उसके पैसे कम दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। कैमूर जिले में किसान के बड़े नेता राकेश टिकैत और कृषि मंत्री सुधाकर सेन पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ बड़े नेता किसान के राकेश टिकैत ने कहा है कि वो बीजेपी की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार, यानी कि विपक्ष पार्टी हो या फिर पक्ष की पार्टी, हर कोई एक ही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन की सरकार दोनों पे आरोप लगाया है कि जिस तरीके से किसानों के लिए दोनों सरकारें कुछ नहीं कर रही है, फिर वो पार्टी विपक्ष की हो या फिर पक्ष की हो। क्या कुछ राकेश टिकैत कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों को। हर जगह जमीन अधिग्रहण मुद्दे हैं, हर जगह जमीन अधिग्रहण अलग अलग। हम ये चाहते हैं कि किसानों की जमीन अगर ले रहे तो उसको बाजार भाव, उसको लाभकारी मूल्य, फ्री में किसान जमीन अब नहीं देगा। इन्होंने एक दान पात्र का भी वो बना लिया, जहाँ पे आंदोलन नहीं है तो उसका दान पत्र का भरता भर देते हैं कि किसान ने जमीन दान में दे दी, तो वो नहीं चलेगा। ना ना, हमने बताया तो यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं सारे के सारे, सब एक क्लास के स्टूडेंट हैं। किसानों की दबाने की कोशिश है, इनका जमीन छीनने का प्लान है। देश की सरकार ने ये कर लिया कि हम 2047 तक यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना कि विकास होगा उस टाइम तक बिल्कुल आकाश में कुछ तारे भी उड़क लेगी, ये जमीन इनका पूरा अधिकार है कि हम जमीन को लेंगे, ये प्लान बना लिया। अरे क्या बता के, आंदोलन ठीक हो तो विकल्प कोई हो भाई वही ठीक रहेगा। किसान बर्बाद हो गया। यहाँ पे सस्ते में फसल अपनी बेचता है और व्यापारी एमएसपी और उससे महंगे पे पूरे देश भर में बेचता है। ये हमारी डिमांड है। जो यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण हो रहा है वो कम उसमें हो रहा है, उसके पैसे कम दिए जा रहे हैं। जमीन चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारा डिमांड है। यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है उसकी बात यहाँ पे उठी, आदिवासियों को जो पूरे देश में हक हैं जंगलों से फल सब्जी और अपना अनाज वहाँ से इकट्ठा करके बेचने का, वो अधिकार बिहार में भी मिले। जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कोमलसर नहीं होंगे, अगर कोई विभाग उनका चालान काटेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, उसको वे चालान के पैसे वापसी देने पड़ेंगे, ये आंदोलन यहाँ पे चलाने पड़ेंगे। इस सब के बाद भी सरकार अगर नहीं मानी तो आगे अरे बोले भाई, नहीं मानने की इतने सरकार ही नहीं रहनेगी, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा सरकार नहीं मानेगी, कौन लिखित में जा रहा क्या इसने नहीं मानेगी, ये जनता कहीं के लिए है, फिर मानेगी सरकार कैसे नहीं मानेगी। विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों की 2024 की प्लानिंग है। ना, हमारी 2024 की कोई प्लानिंग नहीं, 2024 की हमारी कोई प्लानिंग नहीं, ना किसान संगठन कोई चुनाव लड़ेगा। हमारे तो इनके सरकारों के खिलाफ जो एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनके सबके खिलाफ आंदोलन छिड़ रहा भाई, छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, सारी जगह छिड़ रहा। तो ये तो सब जगह अलग अलग पार्टियों के, राजस्थान में अलग अलग जगह पार्टियों की इनकी सरकारें हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी सबकी एक है, इनका हेडमास्टर एक है, इनका जो स्कूल है वो एक जगह है। संदेश ये है कि जमीन पे कब्जा नहीं होने देना, हम सब उनके साथ में। जो भारत माला एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इसमें किसान नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को कितनी मुआवजा मिलनी चाहिए, औने पौने दाम किसानों को मिल रही है, इसमें क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ रुपया एकड़ मिलना चाहिए, और मिला है यहाँ के किसानों को, मिला भी है। जो यहाँ के किसानों को मिला, जो बिजली घर जो बने यहाँ पे, उसका जो मुआवजा मिला है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। 8 मार्च को अल्टीमेटम दिया है कि पटना जिले नहीं मार्च में अक्टूबर के बाद में जब यहाँ मौसम ठीक हो जाएगा, बरसात का पता करेंगे, यहाँ के लोग उस कमेटी का पता करेंगे, इतने सब जगह तैयारी कर लेंगे, और उसके बाद में फिर या तो रास्ता बैठ जाएगा पहले ही, नहीं तो फिर पटना। मुख्य मुद्दा तो ये है कि जो मंडी है ये बहाल हो, मुआवजा है, ट्रैक्टर